अबे प्लेन है मुझे लग रहा है यार वो ये है क्या चीज़ है तो ज्यादा लगती एक ऐप है भैया जिससे दिखता है बढ़िया तो इससे अगर ये प्लेन होगा तो प्लेन भी दिख जाएगा कौन क्या नाम है आपका स्टार वॉक टू मेरे पापा बड़े हो गए आज क्या देख रहे हो दिखाओ अरे चलने तो मिर्जापुर देख रहे हैं मिर्जापुर ही इज अ ग्रोन अप डैड यार हाय गाइस वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल सो जसवाल आज व्लॉग में मैं क्या करूंगा आपको बताता हूं अभी एक सेकंड इसकी बैटरी खत्म हो गई अब इसकी बैटरी लानी पड़ेगी शॉप से लोकल बैटरी लाऊंगा इस बार ये अभी डेढ़ महीने पहले ये टूट गया था इसके ऊपर का तो मैं ऐसे करता था शूट जुगाड़ और आज मैंने ये ऐसे लगा हुआ था आज मैंने सोचा चलो ये सेल्फी स्टिक लगाता हूँ इसमें लंबी वाली इससे लंबा हो जाएगा जब ये खोल रहा था मैं तो देखा तो ये भी टूट गया कुल मिला के ये बात है कि बढ़िया चल रही है व्लॉगिंग मतलब तो आज का व्लॉग मैं इस तरीके से बनाऊंगा जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि बचपन में मैं अपनी कॉलोनी में कैसे रहता था मैं ऐसे ऐसे इंसिडेंट बताऊंगा जो उन लोगों को भी कनेक्ट करेंगे जो यहाँ नहीं रहते थे तो इसलिए ये पूरा व्लॉग देखना बहुत मजा आएगा आप लोग भी सोचने लग जाओगे कि आप बचपन में कैसे अपने दोस्तों के साथ क्या बातें करते थे कहाँ कहाँ घूमते थे अपनी सोसाइटी में अपने मोहल्ले में तो एंड तक व्लॉग देखना और जो नया आया अब इस चैनल में प्लीज सब्सक्राइब कर देना चैनल को मैं श्योरिटी देता हूँ आपको बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट मिलता रहेगा हर बार तो सब्सक्राइब करके चले आना और जब पूरा व्लॉग देख लो आपको अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना इस व्लॉग को अब स्टार्ट करते हैं व्लॉग लेट्स गो तो जैसा कि मोदी जी ने कहा है कि लोकल चीजें खरीदनी है तो अभी हम लोकल चीज खरीदने आ रहे हैं क्या खरीदने आ रहे हैं लोकल क्या लोकल सामान जो मिल जाएगा नमकीन नमकीन लोकल होती है कोई क्या नहीं होती हल्दीराम लोकल ही तो है ना इंडियन मेरे को मेन सेल लेना है टूथब्रश विदेशी और मेरे को सेल वो करना है लोकल जब टूथब्रश खराब हो जाएगा फिर मैं नॉर्मल में आ जाऊंगा अभी जब है तो क्या फेंक दूंगा उसे ये हॉल में हमारी शादियां होती है यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पे मेरे पापा की भी शादी यहीं हुई थी जस्ट किडिंग यार जस्ट किडिंग हाँ मेरे चाचा की हुई थी यहाँ पे और ये जिम है जिम एक जिम यहाँ पर है और एक जिम वो रहा यहाँ दिखेगा नहीं वो अंदर है और ये हॉस्पिटल हमारा मेडिकल सेंटर और ये एक शॉप सेल होंगे सेल चाहिए थे दे दो दो सेल दे दो ये जो हम यहाँ बीएल में रहते हैं बीएल कॉलोनी में तो यहाँ पे 22 मई को एक फंक्शन होता है क्या एनुअल डे स्थापना दिवस 22 को हमारा बीएल बना था तो इस बार नहीं हो रहा इस बार बहुत मिस करेंगे यहीं पूरे ग्राउंड में होता है और ये जो बन रहा है ये दिखा देते हैं यहाँ पे भी लॉकडाउन से पहले काम स्टार्ट हो गया था बट उसके बाद यहाँ काम रुक गया ये देखो क्या बात है क्या बात है अभी कोई व्लॉग दिख रहा होगा तो उससे मतलब ये जगह बड़ी नॉस्टैल्जिक लग रही होगी क्योंकि बहुत लोगों की यहाँ पे शादी हुई है बहुत लोगों के यहाँ एंगेजमेंट हुई है मुंडन हुए हैं और क्या क्या हुआ है बर्थडे भी हाँ प्रोग्राम नहीं होता कल्चरल प्रोग्राम कम्युनिटी सेंटर वाले करते हैं बच्चों के लिए प्रोग्राम हाँ। तो उस टाइप का डांस वांस हो गया ये स्टेज है यहाँ पे होता है डांस अब बिल्कुल एसी एयर कंडीशन मिल गया पूरा पहले साउंड प्रूफ तो था ये हाँ मतलब साउंड प्रूफ कहने को था बाहर तो आवाज जाती थी बट अब कह रहे हैं कि यहाँ पूरे हॉल एयर कंडीशन होगा तो देखते हैं कैसे बनता है बैडमिंटन में मुश्किल खेले जाएगा मतलब हम इसे कोई वैसे पार्टी हॉल नहीं बोलते थे हम इसे बैडमिंटन कोर्ट बोलते थे कि भाई कोर्ट चलते हैं यहाँ पे हम बैडमिंटन खेलते थे और यहाँ पे हम टीटी खेलते थे यहाँ पे जैसे क्या होता था कभी कभी वो टीटी टेबल जैसे भरी हुई है तो हम इस वाली टेबल पे भी टीटी खेलते थे यहाँ पे बीच में ईट लगा के और फिर टीटी खेलते थे जो जो बच्चे बीएल में रहे ना उनका ये तो है कि वो सारे स्पोर्ट खेलते थे क्रिकेट हो गया बैडमिंटन हो गया टीटी हो गया बास्केटबॉल हो गया ऐसे नहीं बोल सकते कि यार मैं नहीं खेल पाऊंगा अलग गेम इस चीज पे झूलते हुए भी बहुत लोगों ने बहुत सारी कन्वर्सेशन करी होंगी ये रहता था अंदर वॉशरूम के बाहर जब भी कोई अंदर जैसे बैडमिंटन खेल रहा है या फिर कोई फंक्शन चल रहा है तो बच्चे बाहर आके इस पे लटकते रहते थे कुछ करते रहते तो आज मेरे नाना जी लेट नाना जी का 80th बर्थडे है तो मम्मी ने उनकी याद में केक बनाया चलो लो लो हैप्पी बर्थडे करो लो हैप्पी बर्थडे अरे बहुत सॉफ्ट हो रहा है अरे तुम ही खाओ तो अभी मैंने हल्का सा बास्केटबॉल खेला अब मैं आया हूँ उस जगह पे जहाँ पे बचपन में हम लोगों ने बहुत सारे वैसे गेम नहीं होते मतलब ये घोड़ी घोड़ी खो खो ये वाले गेम खेले हैं तो ये जगह है ये वाली ये हमारी कॉलोनी का पार्क है और ये वो झूला है लड़ाई होती थी इसमें कि मैं पहले जाऊँगा मैं पहले जाऊँगा और इसमें बहुत लोगों के पैर टूटे हैं हाथ टूटे हैं यहाँ से स्लाइड करते हुए और एक और झूला है जिसमें टूटे हैं वो मैं दिखाता हूँ आपको ये रहा दिखने में छोटा है बट हम जब छोटे थे ना तो हमें बहुत बड़ा लगता था ये और इसमें बच्चे यहाँ ऊपर चढ़ के गिरते थे फिर नीचे और पैर तोड़वाते थे अपना तो मतलब ये वैसा झूला ये वाला और वो स्लाइड वाला और इस गार्डन में हमने बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स शेयर किए अपने दोस्तों के साथ कहीं रोड पे चलते हुए नहीं कर सकते क्योंकि रोड पे हर कोई घूमता है और घर भी बिल्कुल पास पास है तो वो घरों के भी कान होते हैं वैसा वाला चीज़ है ये वाला बेंच है ना यहाँ पे बैठ के मैंने 12th में मेरे को एक लड़की थोड़ी सी अच्छी लगती थी तो यहाँ पे बैठ के मैंने अपने दोस्तों को बताया थी वो बात ज़्यादा नहीं बताऊँगा ठीक है यहाँ पे बताया था मैंने तो ऐसा है अब थोड़ा सा ना मेन रोड पर ले जाता हूँ आपको वहाँ पे देखते हैं तो जैसे कि आप देख रहे होंगे पीछे
और यहाँ पे भी कोई भी नहीं दिख रहा, सब सोशल डिस्टेंसिंग बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। मैं थोड़ा दिखाता हूँ यहाँ पे क्या क्या है। वैसे यार अभी ना लाइट नहीं है यार ढंग से ना, अंधेरा हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ कल करूंगा, आपको भी मजा आया देखने, वरना अभी मैं बोलता रहूंगा आपको दिखेगा नहीं तो मजा नहीं आएगा। खत्म हो गया मिर्जा पूरा हुआ? अरे हो गया भाई। अब वो गैंग्स ऑफ वासेपुर देखो, अब देख लो मजा आएगा। तेरे को क्या करना है, मैं पिक्चर देख रहा हूं। बाप का, भाई का, दादा का, सबका बदला ले लेगा तेरा फैजल। तूने तो सारी देख रखी। अलग बच्चा पहले देख रहे, बाप को बाद में देख रहे। क्या सीखे फिर मिर्जापुर से? क्या सीखे पापा ने सीखना है तू सीख रहा। मैं तो सब सीख गया हूँ, ए टू जेड सारा। कौन है? नॉकआउट। नॉकआउट देखो देखो एंजॉय। क्या कर रहे हैं? नींद आ गई है, मिर्जापुर देख के नींद आ गई। रात को भूख सबको लगती है, मुझे भी लग रही है। वैसे मैं रात को खाता नहीं हूँ, बट फिर अब मैंने कुछ ऐसी चीज बनाई है ना, रुक नहीं पा रहा हूँ। मैं दिखाता हूँ आपको। ये भी दिखने में भले ही थोड़ा अजीब लग रहा हो, बट जब रात को डिनर के बाद खाया था ना, ओहो हो, इसमें केक और कस्टर्ड और आइसक्रीम पता नहीं क्या क्या मिला रखा है, बट जो भी है बहुत ही सही चीज है यार। और रात को ये खाने में बहुत मजा आता है, तो मैं तो खा रहा हूँ। आप लोग आएगा ब्लॉग देखो। तो कल जैसे मैंने यहीं पे वीडियो रोक दी थी क्योंकि अंधेरा हो रहा था, आप लोगों को मजा नहीं आता देखने में, इसलिए मैंने सोचा अगले दिन आऊंगा प्रॉपर सनलाइट में बनाऊंगा, तो आप लोगों को भी मजा आएगा देखने में। ये गेस्ट हाउस है बीएल का। जब भी कोई बड़ा आदमी आता है तो यहीं आता है, कोई मिनिस्टर वगैरह। यहाँ पे बीएल के पास वो है ना केमिकल ग्राउंड, बीएल का ग्राउंड है वो बहुत बड़ा, उसमें बहुत सारे मैचेस होते हैं, गवर्नमेंट कराती है फुटबॉल के मैचेस कराती है, तो वहाँ पे जैसे मंत्री लैंड होता है फिर डायरेक्ट यहीं आते हैं रहने के लिए। अटल बिहारी वाजपेयी भी आते हैं। कहाँ पे? इसी में। अटल बिहारी वाजपेयी कौन से सन की बात है? बहुत पहले। आपने देखा था क्या? ना मैंने तो नहीं देखा। ये देखो यहाँ से कितना सही लगता है, यहाँ से पूरी प्रॉपर एक मेन रोड और साइड में पेड़ लगे हुए। और ये है ओपन जिम, ऐसे दो जिम है, एक यहाँ पे एक आगे है, इसमें मोस्टली आंटी लोग करते हैं यहाँ जिम। और ये चीज दिखाने के लिए मैं आया था यहाँ पे, ये है लॉन टेनिस कोर्ट, जो कि अभी दरवाजा खुला है बट नेट निकाल रखा है, वो रहा नेट का यहाँ से यहाँ तक। कब बना हुआ ये लॉन टेनिस कोर्ट? पद्मनाभन जीएम आए थे तो उन्हें बहुत शौक था इसका, लॉन टेनिस का, तो उन्होंने तब बनवाया था। ये देखो, ये मैं किसी घास फूस वाली जगह पे नहीं आया हूँ, ये है बीएल का पीछे वाला ग्राउंड। श्रमदान ग्राउंड बोलते हैं इसे। और इसकी हालत देखो अभी क्या हो रखी है लॉकडाउन में, पूरे घास घास हो रखी है। और ये साइड साइड में घास निकाल रखी है इन्होंने, वो भी इसलिए कि जैसे किसी को रनिंग करनी है या फिर कुछ करना है तो इसलिए। यहाँ पे भी फुटबॉल खेलते हैं बच्चे, क्रिकेट मैचेस भी होते थे यहाँ पे, तो मेनली कॉस्को के होते थे यहाँ पे क्योंकि ग्राउंड थोड़ा छोटा है। और ये आ गए अब हम बीएल के पीछे वाले गेट पे, जो कि अभी बंद हो रखा है लॉकडाउन में प्रॉपर तरीके से। पीछे वाले गेट से कोई भी अंदर नहीं आ सकता, जिसको भी आना है सिर्फ फ्रंट गेट से आएगा। ये रहा पीछे वाला गेट। ये जो ये एंटीना है इतने बड़े बड़े इतने सालों से लगे हुए किस चीज़ के थे? ये तो पहले टीवी नहीं आता था, केबल टीवी थी यहाँ, तो बीएल की अपनी थी। पता नहीं जब निकल जाएंगे तो बड़ा अजीब लगेगा यहाँ खाली खाली। कल मैंने एक बात भी बताई थी, उस समय थोड़े बहुत बच्चे भी थे तो एक बात बोली थी मैंने कल, वो देखो अभी। पहले तो मतलब यहाँ पे ऐसा सीन रहता था ना कि जो बीच में पिच है वहाँ पे क्रिकेट चल रहा है, यहाँ बास्केटबॉल कोर्ट में आधे हाफ कोर्ट में बास्केटबॉल चलता था और हाफ कोर्ट में क्रिकेट चलता था, यहाँ इस ग्राउंड में फुटबॉल भी चल रहा है, क्रिकेट भी चल रहा है, यहाँ वॉलीबॉल चल रहा है, मतलब ये पूरा का पूरा ग्राउंड ऑक्यूपाइड रहता था, एक पैर रखने की जगह नहीं रहती थी। लोग यहाँ से शॉपिंग सेंटर जाते थे ना, उनको भी मतलब डर लगता था कि कहीं बॉल वॉल ना लग जाए। और अब खाली, मतलब लॉकडाउन में नहीं, लॉकडाउन से पहले भी खाली हो चुका है, मतलब बच्चों को पता नहीं क्या हो गया है, सब फोन वाले हो गए, पबजी और जो भी गेम होते होंगे पता नहीं कौन कौन से। मतलब ये ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन में खाली लग रहा है, अभी खाली हो चुका है। कल एक चीज़ और दिखाना भूल गया मैं, इसलिए मैं अभी फिर से आया यहाँ। तो मैं यहाँ दिखाने आया था ये जगह, यहाँ पे होती है लाइब्रेरी, अभी बंद हो रखा है दरवाज़ा, देखो लॉक लग रहा है। लाइब्रेरी के बाहर एक रूम था जहाँ पे कैरम, चेस, सिर्फ कैरम चेस हाँ और कुछ नहीं, आधे लोगों का टाइम पास तो कैरम खेल के होता था यहाँ पे। तो मतलब मैं भी अभी देख रहा हूँ ना, मेरे को भी बहुत पुरानी चीज़ें याद आ रही हैं, इसलिए वाली वीडियो बनाई कि आप लोगों को भी थोड़ा देख के लगे कि पहले कैसे खेलते थे यहाँ पे, कैसे क्या क्या बातें करते थे अपने, कौन कौन से दोस्त रहते थे हमारे साथ साथ में। और दूसरे लोग जो देख रहे हैं इस व्लॉग को, जो यहाँ कभी नहीं आए, वो भी थोड़ा सोच सकते हैं कि वो लोग अपने सोसाइटी में या वो अपने दोस्तों के साथ कैसे रहते थे, कैसे खेलते थे, क्या क्या बातें करते थे, वो लोग भी सोचें इस चीज़ को, तो इसलिए बनाया मैंने ये व्लॉग। अब शायद इस व्लॉग को एंड कर देना चाहिए यहीं पर, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।